आपने नोटिस किया होगा कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और हाइप काफी बढ़ गया है। आजकल आर्ट, म्यूजिक, कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे काफी सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आसानी से हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज AI चैटबॉट ChatGPT का किया जा रहा है। इसके डेवलपर्स OpenAI के इसे लॉन्च के तुरंत बाद ही काफी सारे AI डेवलपर्स ChatGPT के जैसे अपने खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बनाने में लग गए, जिसमें गूगल भी पीछे नहीं रहा। अभी रिसेंटली गूगल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट Bard को लॉन्च किया है, जिसे बिल्कुल ChatGPT के तरह ही बताया जा रहा है। और गूगल का इसे लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही है ChatGPT को राइवल करना। इसे आप अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन करके यूज कर सकते हैं और ChatGPT के तरह ही ये फिलहाल बिल्कुल फ्री टू यूज है। Bard का फंक्शनैलिटी ChatGPT जैसा ही होगा। ये प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टास्क जैसे कोड जनरेशन, डीबगिंग और कोड एक्सप्लेनेशन कर पाने की क्षमता रखता है। साथ ही Bard किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन, न्यूज या फैक्ट फ्रेश जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। वही ChatGPT में इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है, क्योंकि उसके सोर्सेस 2021 तक ही आके खत्म हो जाते हैं। रियल टाइम रिस्पॉन्स और अच्छा प्रेजेंटेशन देने की बात करें तो ChatGPT को Bard से अभी भी बेहतर बताया जा रहा है। अब ये समय ही बताएगा कि दोनों में से हमारे काम सबसे ज्यादा कौन सा आने वाला है। ये डिपेंड करता है इसके डेवलपर्स के ऊपर कि ये आगे चल के इसे किस तरह से प्रोग्राम करते हैं।